सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं विल स्मिथ के बारे में। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले विल स्मिथ ने जो है क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था ऑस्कर्स के इवेंट में, क्योंकि क्रिस रॉक ने जो है विल स्मिथ के वाइफ के ऊपर जोक मारा था। अभी उसके बाद का अपडेट ये कि एक्टर विल स्मिथ हैज बीन बैंड फ्रॉम अटेंडिंग ऑस्कर्स एंड अदर एकेडमी इवेंट्स फॉर 10 ईयर्स आफ्टर ही स्लैप्ड क्रिस रॉक एट ऑस्कर 2022 सेरेमनी। इन ए स्टेटमेंट द एकेडमी सेड द 94th ऑस्कर हैड बीन ओवरशैडोड बाय द अनएक्सेप्टेबल एंड हार्मफुल बिहेवियर। इसका मतलब यह कि अभी वो 10 साल तक ऑस्कर्स एंड और भी एकेडमिक इवेंट्स जितने भी रहते हैं वहां पे वो अटेंड नहीं कर सकते। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी के हो गए 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो एक स्टोरी भी पोस्ट किए थे। इसके बाद एक और अपडेट है, उनको बॉलीवुड लाइफ की तरफ से मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन का अवार्ड मिला है, इसके ऊपर भी वो रिएक्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ऑल्सो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पे उनका बहुत पुराना वीडियो है जो कि वो फेसबुक पर अपलोड किए थे। तो लिखिए, इफ यू feel like giving up, see this post of mine from 2014, I was the happiest when my video crossed 1000 views. Yes, मैं इस चीज को relate कर सकता हूँ, क्योंकि एक यूट्यूबर या फिर कोई भी जो भी वीडियोस बनाते हैं उनके वीडियो में अगर 1000 views हो जाते तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है भाई। 100 views भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यही बोलूंगा कि सारे लोग इतने से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में जाके इतना बन जाते हैं। तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ, जो भी काम आप करना चाहते हो है ना वो कर दो यार, स्टार्ट कर दो। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो वो लेट हो जाएगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, पायल जोन के बारे में। तो पायल जोन आपको पता होगा 3 दिन से वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रही, कुछ दिन पहले वो स्टोरीज पोस्ट की थी, वो जो यूट्यूब क्विट कर रही है ऐसा करके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ है क्या, तो बोले कि स्ट्राइक आई है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। बोल रहे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक किया है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पूरे वीडियो में। एंड आपको पता होगा कुछ टाइम पहले वो एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जहां पर वो ये बता रही थी सौरभ जोशी ने जो है एसिड मार दिया मेरे मुंह में। तो उसी वीडियो की वजह से उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, जहां पर यूट्यूब का मेल आप देख सकते हो, हाय पायल जोन, आवर टीम हैज रिव्यूड योर कंटेंट एंड अनफॉर्चूनेटली वी थिंक इट वायलेट्स आवर हैरेसमेंट थ्रेट्स एंड साइबर बुलिंग पॉलिसी, वी हैव रिमूव्ड द फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। तो मैंने पूछा कि कितने स्ट्राइक्स आए अभी तक, तो वो बोली एक है एंड वो जो है 7 दिन तक अपलोड नहीं कर सकती, इसके वजह से जो है उनके चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे। और मैं कुछ अलग सोच रहा था भाई, मैं सच में सोच रहा था पायल जोन क्विट कर दी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एमपी संदेश न्यूज 24 के बारे में। तो ये चैनल को जो चलाते हैं उनका नाम है कनिष्क तिवारी। तो इनको एंड कुछ जर्नलिस्ट को जो है पुलिस ने बहुत बुरा बिहेव किया है। यस, इसके रिलेटेड वो एक वीडियो अपलोड किया, वो हिंदी में नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे वो देखोगे तो। लेकिन मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। ए पिक्चर ऑफ जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर कनिष्क तिवारी स्ट्रिप्ड टू देयर अंडरवेयर एट ए पुलिस स्टेशन इन मध्य प्रदेश। तिवारी सेड दे हैड गॉन टू द स्टेशन टू कवर द अरेस्ट ऑफ थिएटर आर्टिस्ट नीरज कुंदर, हु वाज अरेस्टेड फॉर एलिजेडली मेकिंग इनडिसेंट रिमार्क्स अबाउट बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला। वी वर बिटन अब्यूज्ड, तिवारी एडेड। तो बेसिकली वो पुलिस स्टेशन गए हुए थे क्योंकि एक थिएटर आर्टिस्ट है नीरज कुंदर करके, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने जो है साथ से कुछ गलत बोला था बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के ऊपर। तो वो न्यूज को जो है वो कवर करने गए थे, इसके बाद उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया। आप देख सकते हो, एक फोटो में ब्लर कर दे रहा हूँ। शायद आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टोटल गेमिंग के बारे में। तो आपको पता होगा टोटल गेमिंग के अगेंस्ट में जब बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस बनते हैं तो उन वीडियोस को रिप्लाई क्यों नहीं करते, मतलब रिप्लाई नहीं करते वो, उसके बारे में वो रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बात किया, आप देखिए वो क्या कहे। एक बात पूछनी थी मेरे को कब से, बहुत टाइम से पूछ नहीं पाया, आज मिल गया तो पूछ लेता सोचा। हाँ पूछ, पूछो 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 भाई, क्या हुआ? आपको इतने सारे लोग बिना फालतू का मतलब एक्सपोज वगैरह करते हैं, आप सबको रिप्लाई क्यों नहीं करते? ऐसे ही भाई, उसमें कोई मेरा फायदा नहीं है, उनका फायदा है ना। वही सही, बहुत सही बात है आपके नाम पे। हेलो अज्जू भाई। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने अपना न्यू वीडियो तो शूट कर लिया है, बट एक इशू हो गया उनके साथ, उसके बारे में वो लाइव स्ट्रीम में बात किया, आप देखिए वो क्या कहे। आज मैं बैठा हूँ वीडियो की रिकॉर्डिंग करने, आज नहीं समझ गया, लाइटें वाइटें की है मैंने सेट। अच्छा, सेट सेट मतलब बढ़िया दिख रहा हूँ, खूबसूरत दिख रहा हूँ, फॉर अ चेंज सेक्सी वैन शो। अरे भाई 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 भाई, फिर आता है मेरा हेडफोन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कहता आज नहीं, पर हमें आता है मजा। आज नहीं चला, नहीं। आज नहीं छोड़ेंगे भाई। लैग करे, लैग करे। मैंने बंदों से बात कर ली, मैंने उनसे बात कर ली जो पिक्चर एडिट करते हैं, वो कह रहे ये तो एनोमली है, हमारे साथ कभी नहीं हुई। मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से। मत तो भाई इतना परेशान, कोई बात कभी कभी लगता है ना कुछ दिक्कतें सिर्फ बनी है हमारे लिए, होता ही ऐसा है भाई। क्योंकि गूगल कह रहा है कि रिस्टार्ट कर लो, इसकी माँ की गूगल की बहन, चप्पल मारू गूगल के, सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट कर लो। इतने इतने चलाक जवाब आते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं? मेरा मन करता है कि मैं स्विशी को लेके हवा में उड़ जाऊं, कोई बेंच और रॉकेट लगा दो हमारे पीछे और साथ में ना आसमान में जाकर फट जाए। अरे चौको,
तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एमएसके के बारे में। तो एमएसके मिले मिथ पैट से, यस वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। ये व्यू कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। बाबा कैसा लगता है बाबा? ये बहुत अच्छा लगता है सर्किट। तो शायद से एमएसके के नेक्स्ट व्लॉग में हमें मिथ पैट भी जरूर से दिखेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, फुकरा इंसान के बारे में। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले फुकरा इंसान अनाउंस किया था कि उनका जो देसी स्क्विड गेम आ रहा है, बट अभी तक आया नहीं है उनके चैनल पर ना, तो उसके ऊपर वो रिएक्ट किए अप नेक्स्ट। आई नो काफी लेट है, बट देसी स्क्विड गेम देख के मजा आ जाएगा। तो अभी जो उनका नेक्स्ट वीडियो होगा वो देसी स्क्विड गेम ही होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो गेमर्स एंड बीबी की वाइंस के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स ने क्रॉस कर दिया बीबी की वाइंस को इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और यहां पर बीबी की वाइंस से रिलेटेड एक और न्यूज है, उनके मैनेजर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, न्यू बिगिनिंग्स जय माता दी, एंड वो एक ट्वीट भी किए, इंटरेस्टिंग सेट ऑफ डेज अहेड, द सिटी ऑफ ड्रीम्स हैज मेड अस इट्स ऑलमोस्ट परमानेंट रेसिडेंट, वन एट ए टाइम न्यू बिगिनिंग्स टुडे, हैशटैग जय माता दी। यहां पर सिटी ऑफ ड्रीम्स शायद से वहां पर मुंबई का बात हो रहा है, शायद से उन्होंने नया घर या फिर ऑफिस बनाया मुंबई में, शायद से मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है बताना कमेंट करके। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते, यूआईसी व्लॉग्स या फिर आप कह लो योर इंडियन कंज्यूमर के बारे में। तो एक ट्वीट किए थे हेटर्स को लेकर, व्हाइल माय हेटर्स वर स्पेंडिंग टाइम हेटिंग मी, आई वाज बिजी पिवोटिंग माय बिजनेस from tech to lifestyle to food. Now I am again relevant and my haters they are back on job. I will again use their attention to build more businesses. अगर आप लोग इनको नहीं जानते तो ये बहुत पुराने क्रिएटर हैं। इनका मुंबई कर निखिल के साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था बहुत पहले। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अभी एंड न्यू के बारे में। तो अभी एंड न्यू के चैनल पर कंप्लीट हो गए 200 मिलियन व्यूज टोटल, एंड वो एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी शेयर किए, मैं दिखाता हूं। वी क्रॉस्ड 200 मिलियन व्यूज ऑन YouTube. It took almost 4 years to reach the first 100 million views, less than 6 months for the next 100 million. It is a reminder that your journey is not linear, be it anything, creativity, business or a startup. तो 4 साल लगे थे उनको 100 million views मिलने में, 6 महीने में ही जो उनके 100 million views और complete हो गए। शायद से shorts के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि shorts का आजकल reach बहुत भयंकर है। तो बस आज के लिए बस इतने updates थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने next वीडियो में।